अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू आवर चैनल राइटर एंड स्टॉक। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हमारे पेजेस हैं तो वहाँ पे जाके भी हमें फॉलो प्लीज़ करें जी। सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट्स देख लें। ये हमने 1 किलो चावल लिए हैं और 1 किलो ही हमारे पास बीफ है। इधर सबसे पहले हम एक कुकर लेंगे, उसमें हम अपना बीफ डाल देंगे, नमक डाल ऐड कर देंगे इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून, और साथ ही हम 1 लहसुन कंप्लीट एज इट इज़ उसका छिलका उतारे बगैर उसको हम इसके अंदर डाल देंगे, और इसको हम ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के लिए हम इसको प्रेशर दे देंगे। पानी चला गया इसके अंदर, साथ ही नमक डालेंगे 2 टेबलस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे हम इसके अंदर, और ये अब हमने इसके अंदर डाल दिया जी लहसुन, एज इट इज इसको ऐड कर देंगे, और अब हमने इसको प्रेशर देना है जी ऑलमोस्ट 30 मिनट्स। अब ये आ गया है इसको प्रेशर। अब ये देख लेंगे ये जो इसके अंदर हमने लहसुन डाला था, हम इसको इसमें से रिमूव कर देंगे, और फिर हम आ जाते हैं जी अपने, इसको रिमूव करने के बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, वो है जी हम अपने चावलों का मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए जी हमने 1.5 कप ऑयल लिया है, अब हम इसमें 3 से 4 अदद नॉर्मल साइज़ की प्याज डालेंगे जिनको हमने ब्राउन करना है। ब्राउन करने तक इसको फ्राई करना है, आपकी फ्लेम बिल्कुल यहाँ नॉर्मल होनी चाहिए, फ्लेम आपकी ज़्यादा ना हो, बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। अगर आपकी फ्लेम ज़्यादा होगी तो ये प्याज जल भी सकते हैं, जिससे फिर आपके चावलों का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, ठीक है। तो आपने फ्लेम इसकी नॉर्मल रख के आपने इस सारे प्याज अच्छे से फ्राई कर लेने। जब प्याज ज़्यादा ब्राउन हो जाते हैं तो फिर उसका फ्लेवर भी बिल्कुल अच्छा नहीं आता और चावल भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डार्क डार्क लगते हैं। ये 3 से 4 अदद हमारे पास नॉर्मल साइज़ के प्याज हैं और ये ब्राउन हो चुके हैं, ये देखिए ये अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे जी लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून हमने लहसुन का पेस्ट ऐड किया। अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, इसको इतना फ्राई करना है कि ये बिल्कुल ब्राउन हो जाए, जो हमने लहसुन डाला है वो ज़रा ब्राउन हो जाए, गोल्डन ब्राउन सा हो जाए, तो फिर हमने इसको इतनी देर फ्राई करना है, ठीक है। जब ये हमारे पास फ्राई हो जाएगा तो उस टाइम पे हम इसके अंदर जो ऐड करेंगे अदरक, लेकिन अदरक का पेस्ट जो हमने बनाया है, लेकिन उससे पहले लहसुन को अच्छी तरह से फ्राई होने दें, ठीक है। जी अब हम अच्छे से फ्राई कर लें इसको, ठीक है। जी ये फ्राई हो चुका है, अभी हम इसमें डाल रहे हैं जी अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून। अब ये इसको दोबारा से आप फ्राई कर लें। जब हम इकट्ठा डालते हैं तो लहसुन का पेस्ट अदरक का पेस्ट इकट्ठा डाल देते हैं तो फिर लहसुन की स्मेल रह जाती है, क्योंकि जो अदरक है वो जल्दी फ्राई हो जाता है, लहसुन थोड़ा टाइम लेता है, इस वजह से लहसुन कच्चा रह जाता है और लहसुन की स्मेल रह जाती है। आपकी कोई भी डिश हो, कोई सालन है,
कोई चावल है, किसी किस्म की कोई भी चीज़ है, तो आप इन दोनों को इकट्ठा डालने की बजाय अलग अलग डालें। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 अदर टमाटर, नॉर्मल साइज़ के टमाटर ऐड कर दिए हमने इसके अंदर, ठीक है। अब ये टमाटर फ्राई करने हैं हमने अच्छी तरह से, सही है। अब आप इसकी फ्लेम थोड़ी लो ही कर दें, क्योंकि ये फिर जो प्याज हैं वो ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे, तो इसलिए फ्लेम थोड़ी लो कर दें। इनको अच्छी तरह से हम पका लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जी सारे स्पाइसेस। ऐड करने का टाइम आ गया है जी। जी हम सॉल्ट मैंने आपको वहाँ नहीं बताया, हसब ज़रूरत, जिसको जितना पसंद है सॉल्ट उतना डालें। मैंने 2 चम्मच पहले डाला था यखनी में, और 4 चम्मच मैंने यहाँ डाला है, और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ऐड किया है जी चिली पाउडर, लाल मिर्चें, हल्दी ऐड कर दी है मैंने इसमें, ये चला गया धनिया पाउडर, धनिया पाउडर ऐड कर दिया गया है इसके अंदर, सॉरी हल्दी अब आई है, ये हल्दी और गरम मसाला मैंने अब इसमें ऐड कर दिया है। अब इन सारे स्पाइसेस को हम मिक्स कर लेंगे, और ये मिक्स हो चुके हैं जी, हमारा मसाला बन चुका है। और अब हम इसमें बीफ ऐड कर देंगे अपना, ठीक है। बीफ को हम ज़रा इसमें 5 मिनट तक सारा डाल के फ्राई करेंगे अच्छे से। ये हम इसमें बीफ ऐड कर रहे हैं, आपने पानी का इसमें ये हिसाब रखना था चावल का, जितने आपने चावल लिए हैं उससे डबल आप इसमें में ले रहे हैं। अगर आप 3 गिलास के हिसाब से 3 गिलास पानी ले रहे हैं, चावल ले रहे हैं सॉरी, तो आप 6 गिलास पानी डालेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने 1 बाउल जितना चावल निकाले हैं, तो आप उस बाउल को डबल करके मतलब 2 बाउल जितना आप इसके अंदर डालेंगे पानी। अब ये देख लें जी कि ये हमारा जो बीफ है भून रहे हैं हम इसको इसके अंदर, ठीक है। अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेंगे, अच्छे से भून लेंगे मसाले के अंदर बीफ को, ताकि जो मसाले के टेक्सचर्स हैं, उसके फ्लेवर्स हैं, वो सब के सब बीफ के अंदर फैल जाएं, सही है। अब जो आपने इसमें बनाया है, जिसमें चिकन बॉईल किया है, यखनी बनी है आपकी, इसमें हमने बीफ बॉईल किया है, जो आपकी यखनी बनी है वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मतलब कि समझे, मैंने 3 गिलास अगर चावल डाले हैं, तो मैं इसमें 1 गिलास यखनी ऐड कर दूँगी, और बाकी जो मेरे 5 गिलास रिमेनिंग है वो मैं इसमें वाटर ऐड कर दूँगी। जब यखनी आप इसके अंदर डाल लेते हैं तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती है, आपके चावल बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। ओके, ये अब इसमें हमने पानी ऐड कर दिया यखनी के साथ साथ, ठीक है। अब ये ऐड करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे पानी ऐड करने के बाद, कि ताकि ये पानी जो है अच्छी तरह बॉईल हो जाए, ठीक है। जी हमने इसको खोला है जी, जब तक पानी बॉईल नहीं हुआ, पानी जैसे बॉईल हो गया हमने इसको खोल लिया है, और अब हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। हम अच्छी तरह इसको हिला रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं इसको अच्छे से, ठीक है। और अब हम इसके अंदर जो ऐड कर देंगे जी चावल, अब हम इसमें ऐड करेंगे राइस, जो हमने 1 kg जिनको हमने भिगो के रखा था, वो हम इसमें राइस ऐड कर देंगे सारे। उसके बाद हम इसको दोबारा कवर कर देंगे, कि जब तक इसका पानी सोख नहीं हो जाता, सारा पानी इसका सूख नहीं जाता,
सारा पानी ड्राई करना है हमने इसका, क्योंकि चावल के लिए जो हम इसे डाल रहे हैं, चावल डल गए हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम पानी के सूखने तक का इंतज़ार करेंगे और इसको इतनी देर के लिए हम कवर कर देंगे कि जब तक इसका पानी जो है जी वो सूख नहीं जाता। इसका पानी हमने अच्छे से सुखाना है, अदरवाइज़ जब फिर हम दम लगाते हैं उस टाइम तो ये पानी चावल बिल्कुल इकट्ठे हो जाते हैं, तो हमने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि हमारे जो चावल हैं वो बिल्कुल जुड़ ना जाएं, अलग अलग रहें, तो इस वजह से हम इसका पानी अच्छे से सुखाना है। अब हम इसको कवर कर देंगे और ये लें देखें इसका पानी जो है सूख चुका है। अब हम इसको दम लगाएंगे, दम आपने 10 मिनट्स के लिए लगाना है इनको, क्योंकि देखें पानी बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है इसका। किसी कपड़े से इसका जो कवर है उसको लपेट लें, उसके बाद नीचे रख दें जी इसका तवा, और फ्लेम बिल्कुल लाइट होनी चाहिए आपकी, इधर हल्की सी फ्लेम, और ऊपर वजन देने के लिए कि इसमें हवा ना जाए। तो ये दम खुल चुका है और ये देख लें कि जी कितने ज़बरदस्त से हमारे बीफ पुलाव जो है हमारा तैयार है। बहुत ईजी रेसिपी है जी, आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक बार फिर मैं आपको कहूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इंस्टाग्राम पे हमारा लाइट एंड स्टोव के नाम से पेज है, और साथ ही साथ फेसबुक पे भी पेज है, तो वहाँ पे भी हमें ज़रूर लाइक फॉलो करें, लाइक करें वीडियोज़। यकीन आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।